हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीजी शिक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का यूनिट फर्स्ट का रीडिंग नंबर सी, ठीक है। और रीडिंग सी का हमारा मतलब चैप्टर थर्ड का नेम क्या है, सालू मरादा थिमक्का। अब आप लोग सोच रहे होगे कि ये एक अजीब सा नाम, ठीक है, सालू मरादा थिमक्का एक्चुअली में है क्या। तो एक्चुअली में जो आप लोगों के बुक में ये पिक्चर गिवन है एक लेडी का, इन्हीं का नाम है सालू मरादा थिमक्का। अब जानते हैं कि सालू मरादा थिमक्का का मतलब क्या होता है और इनका नाम ये क्यों पड़ा। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। सालू मरादा थिमक्का एन एनवायरमेंटलिस्ट इज वन ऑफ द वेल नोन पर्सनैलिटीज ऑफ कर्नाटका, ठीक है। सालू मरादा थिमक्का जो थी, ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि इस लेडी का नेम है ना, सालू मरादा थिमक्का इस लेडी का नेम है, जो कि क्या थी, एक एनवायरमेंटलिस्ट थी, मतलब एक पर्यावरणविद थी, जो कि क्या थी, एक इज वन ऑफ द वेल नोन पर्सनैलिटीज ऑफ कर्नाटका, जो कि एक कर्नाटका की सुप्रसिद्ध शख्सियत थी। मतलब अब पर्सनैलिटी एक सुप्रसिद्ध शख्सियत कैसे बनते हैं, जब उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि ये एक एनवायरमेंटलिस्ट थी, तो इन्होंने अपने लाइफ में ऐसा क्या अचीव किया कि ये एक वेल नोन पर्सनैलिटी, मतलब एक सुप्रसिद्ध शख्सियत के नाम से जानी जाती थी। तो देखते हैं आगे। सी हैज़ अर्न रिकॉग्निशन, उन्होंने रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान भी होता है और मान्यता भी होता है, तो उन्होंने अपना पहचान पाया। ड्यू टू हर अनटायरिंग एफर्ट्स इन प्लांटिंग एंड टेंडिंग टू 284 बनियान ट्रीज अलॉन्ग द हाईवे कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर्स, ठीक है। क्या हुआ, सी हैज अर्न्ड अ रिकॉग्निशन, उन्होंने एक पहचान पाया किसके थ्रू, ड्यू टू हर अनटायरिंग एफर्ट्स, ठीक है, उनके अथक प्रयत्न या फिर उनके अथक प्रयासों के वजह से। वो क्या करती थी, प्लांटिंग करती थी, मतलब पौधे उगाया करती थी, और उनको टेंडिंग मतलब उनका देखरेख भी किया करती थी। उन्होंने 284 बनियान ट्रीज उगाया था, ठीक है, कहाँ उगाया था, तो 4 किलोमीटर की दूरी तक, ठीक है, जो 4 किलोमीटर दूरी, जो हाईवे था, जो राजमार्ग था, उसके 4 किलोमीटर दूरी तक उन्होंने लगभग 284 बनियान का ट्री क्या किया था, प्लांटिंग किया था, उगाया था, और उसका टेंडिंग भी किया था, मतलब उसका देखरेख भी वो किया करती थी। हर परसिस्टेंट वर्क हैज़ अर्न्ड सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, ठीक है, उनके दीर्घ कार्यों की वजह से, ठीक है। परसिस्टेंट मतलब होता है दीर्घ, और वर्क मीन्स होता है कार्य, तो उनके दीर्घ कार्यों की वजह से उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मतलब पुरस्कार भी मिला हुआ था। सी हैज़ बीन हॉनर्ड विद द प्रेस्टिजियस नेशनल सिटीजन्स अवार्ड ऑफ इंडिया, सी हैज़ बीन हॉनर्ड विद द प्रेस्टिजियस नेशनल सिटीजन्स अवार्ड ऑफ इंडिया, उन्हें भारत का प्रेस्टिजियस मतलब प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया था। फॉर हर सेल्फलेस वर्क्स इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट, निस्वार्थ कार्यों के वजह से, एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण के क्षेत्र में जो वो निस्वार्थ कार्य करती थी, उसके वजह से उन्हें एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार से उन्हें सम्मानित भी किया गया था। सी ऑल्सो हैज़ अ US एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड थिमक्काज रिसोर्स फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन नेम्ड आफ्टर हर। अब देखिए यहाँ पे, सी ऑल्सो हैज़ अ US एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास और क्या था, एक US, US क्या होता है, हमारा यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड स्टेट कौन सा होता है, हमारा अमेरिका, ठीक है। तो उनके पास एक अमेरिकी पर्यावरण संगठन, जिसको क्या बोला गया, थिमक्काज रिसोर्सेज, ठीक है, थिमक्का का संसाधन, जो कि किसमें था, एनवायरमेंटल एजुकेशन मतलब पर्यावरण शिक्षा के लिए, ठीक है। इन शॉर्ट ये बोलना ये चाह रहा है कि नेम्ड आफ्टर हर, उनके नाम से, थिमक्काज के संसाधन के नाम से पर्यावरण का शिक्षा कहाँ दिया जाता था, एक अमेरिकी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक अमेरिकी पर्यावरण संगठन में एनवायरमेंटल का एजुकेशन पर्यावरण शिक्षा दिया जाता था, जो कि किसके नेम पे था, तो सालू मरादा थिमक्का एज अ थिमक्काज रिसोर्सेज के नेम से था, ठीक है। अब आप लोग सोचिए उन्होंने कितना कुछ अचीव किया कि अमेरिका में, US में उनके नाम का क्या था, एक रिसोर्स था। आई होप कि इतना आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, सालू मरादा थिमक्का अ ब्रीफ हिस्ट्री, सालू मरादा थिमक्का का एक हम लोग संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे।
सालूमरादा तिमक्कम वॉज बॉर्न इन अ विलेज नेम्ड हुलिकल। सालूमरादा तिमक्कम का बॉर्न जन्म कहाँ हुआ था? एक विलेज, जिस विलेज का नेम था आपका हुलिकल विलेज, दैट फॉल्स अंडर द मगधी तालुक ऑफ बेंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट, जो कहाँ पे था? बेंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बेंगलोर ग्रामीण जिले के अंतर्गत आता था, ठीक है, मगधू तालुक के अंतर्गत आता था। सी वॉज नोन एज तिमक्का देन, वो जब वहाँ बॉर्न हुई थी, मतलब जब वहाँ उन्होंने जन्म लिया था, तब उनको क्या बोला जाता था? सिर्फ तिमक्का बोला जाता था। सी डिड नॉट गो टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं जाती थी, और गेट एनी फॉर्मल एजुकेशन, और ना ही उन्होंने कभी फॉर्मल एजुकेशन मतलब औपचारिक शिक्षा ग्रहण किया था। फ्रॉम एन अर्ली एज सी वर्कड एज अ लेबरर इन अ क्वारी नियर होम। फ्रॉम एन अर्ली एज मतलब बहुत ही कम उम्र में वो क्या किया करती थी? एक मजदूर का काम किया करती थी, ठीक है, एक लेबर का, एक मजदूर का काम करती थी। कहाँ करती थी? तो वो एक खादान पे, क्वारी मतलब होता है खादान, जो उनके घर के ही नियर में था, मतलब एक घर के पास में था, ठीक है, मतलब वो अपने घर के पास एक खादान में लेबर का, मजदूर का काम किया करती थी। सी वॉज मैरिड ऑफ टू चिकैया, और उनकी शादी किससे हुई थी? फिर चिकैया से हुई थी। अ कैटल हर्डर, जो क्या करते थे? पशुओं को चराते थे। द कपल वॉन्टेड चिल्ड्रन बट वेयर अनेबल टू गेट एनी इवन आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ देयर मैरिड लाइफ। जैसे उनकी शादी हो गई, तो वो जो कपल थे, जो दंपत्ति थे, वो क्या चाहते थे? चिल्ड्रन चाहते थे, बच्चे चाहते थे, लेकिन उनकी मैरिड लाइफ, ठीक है, मतलब शादी के 25 साल तक उनका कोई भी बेबी नहीं हुआ था। वन डे द हस्बैंड वाइफ डुओ डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज। एक दिन क्या होते हैं, दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर के क्या निर्णय लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे? प्लांट ट्रीज मतलब ट्रीज, पेड़ उगाया करेंगे। टू ओवरकम द सैडनेस एंड एम्प्टी फीलिंग ऑफ देयर लाइफ, ताकि क्या हो, उससे अगर उन लोग प्लांट उगाएंगे, ठीक है, पौधे, पेड़ पौधे उगाया करेंगे, तो क्या सोच के उन लोग ऐसा सोचते थे कि जो उनके लाइफ में उदासी है, उनका जो अकेलापन है या फिर जो उनका खालीपन है, उसको उन लोग क्या कर सके? दूर कर सके, उससे उन लोग बाहर आ सके अपने एम्प्टी फीलिंग मतलब खालीपन से, और अपने सैडनेस मतलब उदासी से बाहर आ सके। इसलिए दोनों हस्बैंड वाइफ मिल करके डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे? पेड़ उगाया करेंगे। That was around 50 years ago, और ये करीबन 50 साल पहले की बात है। From there started a journey of untiring love and selfless service of an ordinary couple towards an extraordinary mission. From there started a journey of untiring love, ठीक है, उनका from there started a journey, journey means होता है आपका सफ़र, untiring love का मतलब क्या होता है? अत्यधिक प्रेम। तो जब उनका ये सफ़र शुरू हुआ, मतलब बोल सकते हैं कि उनके मैरिड लाइफ के बाद जब उनका अनटायरिंग लव मतलब अत्यधिक प्रेम का जब सफ़र शुरू हुआ, तो उन लोगों ने क्या डिसाइड किया? एंड सेल्फलेस सर्विस ऑफ एन ऑर्डिनरी कपल, बोलने का मतलब है एक निस्वार्थ काम करना, एक साधारण से कपल का, एक साधारण दंपत्ति का निस्वार्थ होके, सेल्फलेस होके काम करना, टूवर्ड्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिशन, एक असाधारण मिशन के लिए एक साधारण दंपत्ति का काम करना। अब देखते हैं कि वो मिशन क्या था। अ मिशन टू रेज एज मैनी ट्रीज एज पॉसिबल, अब उनका मिशन क्या था? एज अ मिशन टू रेज मतलब उनका मिशन ये था कि उन लोग जितना ज़्यादा संभव हो सके, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके, जितना संभव हो सके, उतना ट्री, उतना पेड़ क्या करेंगे उन लोग? उगाया करेंगे विथ लव एंड केयर एंड एज देयर ओन चिल्ड्रन, ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा संभव हो सके उतना पेड़ उन लोग उगाया करेंगे, बहुत ही लव के साथ, मतलब बहुत प्यार के साथ, और ऐसे उनका केयर करेंगे, ऐसा उनका देखभाल करेंगे उन पेड़ों का, जैसे कि वे पेड़ क्या है? उनके खुद के बच्चे हैं, ठीक है। अब हमने ऑलरेडी रीड किया कि उनके कोई भी चिल्ड्रन नहीं थे, तो उन लोग क्या करते थे? ट्री को, पेड़ पौधे उगाया करते थे, और उन लोग चाहते थे कि वो उन लोग इतने प्यार से उस पेड़ पौधों को उगाए और उनका केयर करें, मतलब देखभाल करें, जैसे कि वो उनके खुद के बच्चे हों, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। हर जर्नी टू बिकम सालूमरादा तिमक्का, अभी हमने पढ़ा कि वो कर्नाटका में उन्होंने जन्म लिया था, और जब कर्नाटका में उन्होंने जन्म लिया था, तो वो उनको क्या के नाम से जाना था? सिर्फ तिमक्का के नाम से जाना जाता था। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि उन्हें सालूमरादा तिमक्कम
बनने में कौन सा सफ़र, कौन सा जर्नी तय करना पड़ा था, उनके नेम के आगे में सालू मरादा कब जुड़ा था। तिमक्का एंड हर हस्बैंड डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज। तिमक्का और उसके हस्बैंड दोनों क्या निर्णय लेते हैं, पेड़ उगाने का, प्लांट ट्रीज मतलब पेड़ उगाने का डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं। अलॉन्ग द रोड साइड मतलब रोड के किनारे पे, एंड दे सिलेक्टेड द रोड टू द नेक्स्ट विलेज कुदूर टू फुलफिल देयर प्लान्स। अब उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निर्णय लिया कि उन लोग क्या करेंगे, पेड़ उगाया करेंगे रोड साइड पे, ठीक है, मतलब रोड के किनारे पे। तो उन्होंने क्या किया, कुदूर जो कि एक गांव है, तो कुदूर को उन्होंने सिलेक्ट किया कि उसके किनारे में, कुदूर के रोड के किनारे में उन लोग क्या करेंगे, प्लांट ट्रीज करेंगे, मतलब पेड़ उगाया करेंगे। दिस पार्टिकुलर रोड वॉज वन दैट डिड नॉट हैव अ सिंगल ट्री। और ये जो विशेष रोड है, ठीक है, दिस पार्टिकुलर रोड मतलब ये जो विशेष रोड है उसमें क्या था, एक भी पेड़ नहीं था, ठीक है, डिड नॉट हैव अ सिंगल ट्री मतलब उस रोड में एक भी पेड़ नहीं था। एंड कॉज्ड इमेंस हार्डशिप टू द ट्रैवलर्स ऑन द ड्राई हॉट डेज। और जो क्या किया करती थी, इमेंस हार्डशिप मतलब जो वहाँ पे यात्री आया करते थे, ट्रैवलर्स आया करते थे, उनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हुआ करती थी क्योंकि वहाँ पे एक भी पेड़ नहीं हुआ करते थे। इसलिए वहाँ पे जो यात्री आते थे गर्मी के मौसम में, ड्राई हॉट डेज मतलब जो समर सीज़न होते हैं, गर्मी के दिनों में वहाँ पे जो यात्री आया करते थे उनको बहुत ज़्यादा क्या हुआ करता था, कठिनाई या फिर परेशानियाँ आया करती थी। दे स्टार्टेड ग्राफ्टिंग सैपलिंग्स फ्रॉम फिकस बनियान ट्रीज। और उन्होंने कैसे शुरुआत किया, फिकस मतलब जो बनियान का ट्री होता है, उसका जो पौधा होता है, बनियान ट्री का जो पौधा होता है उसको उगाना उन्होंने शुरू किया। एज देयर वेयर प्लेंटी ऑफ फिकस ट्रीज नियर हर विलेज, क्योंकि उनके विलेज के पास बहुत सारे क्या थे, फिकस के पेड़ हुआ करते थे। उन्होंने इसलिए क्या किया, जो बनियान का ट्री मतलब जो फिकस का ट्री होता है, पेड़ होता है, उसी को उन्होंने लगाना शुरू किया। दे ग्राफ्टेड 10 सैपलिंग इन द फर्स्ट ईयर। उन्होंने पहले साल में कितना प्लांट उगाया, तो 10, ठीक है, सैपलिंग मतलब पौधा होता है ना, तो उन्होंने फर्स्ट ईयर में मतलब पहले साल में उन्होंने 10 पौधा उगाया। एंड प्लांटेड दैम अलॉन्ग अ स्ट्रेच ऑफ 4 किलोमीटर्स ऑन द रोड दैट लेड टू कुदूर, ठीक है। अब हमने देखा कि उन्होंने फर्स्ट ईयर में मतलब पहले साल में 10 पौधा लगाया, तो वो पौधे कहाँ पे लगाए और कितनी दूरी पे लगाए, तो वो कुदूर से, ठीक है, कुदूर क्या है, एक विलेज का नेम है, तो कुदूर से 4 किलोमीटर की दूरी तक उन्होंने क्या किया, 4 किलोमीटर दूरी तक के रोड में उन्होंने उस पेड़ को लगाया था। दे इंक्रीज द नंबर टू 15 इन द नेक्स्ट ईयर। और अगले साल, ठीक है, आने वाले साल में उन्होंने उस पौधे का नंबर को, ठीक है, संख्या बढ़ा करके 10 से कितना में बदल दिया, 15 में बदल दिया। दे कंटिन्यूड विद देयर एफर्ट्स एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ सैपलिंग्स विद ईच पासिंग ईयर। वो अपनी मेहनत को क्या किए, कंटिन्यू मतलब जारी रखे अपनी मेहनत को, और हर गुजरते साल के साथ वो क्या किया करते थे, जो नंबर ऑफ सैपलिंग जो पौधे वो लगाया करते थे ना, उसकी संख्या को उन लोग बढ़ा दिया करते थे। जैसे हमने देखा कि पहले साल में उन्होंने 10 लगाया, दूसरे साल में फिर 15 लगाया, वही बोल रहा है कि अपनी मेहनत को जारी रखते हुए हर गुजरते साल के साथ वो क्या करते थे, अपने पौधों की संख्या को इंक्रीज मतलब बढ़ा दिया करते थे। दे नॉट ओनली प्लांटेड द सैपलिंग्स, वो सिर्फ पौधा नहीं उगाया करते थे, वो सिर्फ पौधा नहीं उगाया करते थे, बट ऑल्सो टेंडेड टू द यंग सैपलिंग्स, बल्कि वो जो बड़े बड़े सैपलिंग्स मतलब जो बड़े हो जाते हैं, थोड़े पौधे जो बड़े हो जाते थे, उनका टेंडेड मतलब उनका देख रेख भी किया करते थे। बोलने का तात्पर्य ये है यहाँ पे कि उन लोग सिर्फ पौधा लगा के उसको छोड़ते नहीं थे, उसको पौधा लगाने के बाद उसका देख रेख करने का कार्य भी उन लोग किया करते थे। ईच मॉर्निंग दे स्टार्टेड फ्रॉम देयर होम, ठीक है, हर सुबह क्या होता था, हर सुबह अपने घर से लोग स्टार्ट करते थे, क्या, विथ 4 pots filled with water and watered the saplings, मतलब हर सुबह अपने घर से शुरुआत करते थे, 4
पॉट्स, पॉट्स मीन्स होता है घड़ा, तो चार घड़ा लेते थे जिसमें पानी भर दिया करते थे और सभी पौधों को, सभी सैपलिंग्स को क्या करते थे, सींचते थे, ठीक है, सिंचाई का काम करते थे, वाटरिंग करते थे. When the pots emptied out, they refilled them from the nearby ponds and wells and continued watering the saplings. आगे क्या बोल रहे हैं, जब पॉट एम्प्टी हो जाता था, मतलब जब घड़ा खाली हो जाता था, तो उसको क्या करते थे उन लोग, रीफिल्ड करते थे, मतलब दोबारा से उसमें पानी भरा करते थे. और वो पानी कहाँ से भरते थे, तो नियर बाय पॉन्ड्स, मतलब जो पास में तालाब या फिर जो कुआं हुआ करता था, उसमें से उन लोग क्या करते थे, उस घड़े में दोबारा से पानी भर लिया करते थे और अपने वाटरिंग, मतलब सिंचाई का काम को क्या रखते थे, जारी रखते थे. While covering the whole stretch on feet and returned home doing the same thing. अपने पैर में जोर देते हुए, ठीक है, जोर देते हुए, मतलब अब पैर से ही चल के जाएंगे ना, तो अपने पैर में जोर देते हुए उन लोग क्या करते थे, ये काम किया करते थे. और जब उन लोग वापस, मतलब पानी सिंचाई करके, पानी दे करके जब वापस आते थे, एंड रिटर्न होम डूइंग द सेम थिंग, मतलब जब उन लोग वापस आते थे तो क्या करते थे, यही काम को फिर से करते थे. मतलब जाते जाते अगर पौधों में पानी डाले हैं, तो आते वक्त भी क्या करते थे उन लोग, पौधों में पानी डालते ही आया करते थे. They treated the sapling as their own children. वो जो पौधे हुआ करते थे, वो किस उसको अपने बच्चों की समान उन लोग माना करते थे. And each day followed the same routine. और हर दिन उन लोग अपना यही दिनचर्या क्या करते थे, फॉलो किया करते थे. They also protected the saplings from the grazing cattle by fencing them with thorny shrubs. They also protected the saplings, मतलब उन लोग जो पौधे हैं उसका संरक्षण भी करते थे. किस चीज़ से, जो वहाँ पशुएं चरने के लिए जाती थी, उससे उस पौधों को संरक्षण भी करते थे. तो उसको किसके थ्रू करते थे, जो फेंसिंग डैम विथ थॉर्नी श्रब्स, जो कांटेदार पौधे होते हैं ना, जो कांटेदार होते हैं पौधे, तो वो कांटेदार पौधों को उन लोग क्या करते थे, बांध दिया करते थे. और इस तरीके से उन लोग क्या करते थे, अपने पौधों का संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन किया करते थे. Their tireless efforts began to bear fruit when the saplings grew into large and strong trees. जब वो saplings, मतलब वो जब पौधा बड़े होकर के एक मजबूत पेड़ बन जाया करते थे, तो क्या होता था, उसमें fruits भी, फल भी उगने लगते थे. और ये किसके वजह से होता था, उनका tireless effort, मतलब उनकी कड़ी मेहनत के वजह से क्या हुआ करता था, वो जो saplings हुआ करते थे, पौधे जब बड़े हो जाया करते थे, मजबूत हो जाया करते थे, तो उसमें fruits, मतलब फल भी आने लगते थे. द कपल प्लांटेड द सैपलिंग मोस्टली इन द मॉनसून सीजन. और वो जो कपल थे, मतलब वो जो दंपत्ति थे, उन लोग क्या करते थे, ज़्यादातर मॉनसून सीजन पे, मतलब बारिश के मौसम पे क्या करते थे, उन लोग पौधा उगाया करते थे. सो दैट द प्लांट्स वुड गेट द रेन वाटर फॉर देयर ग्रोथ. ताकि जो रेन वाटर होता है, ठीक है, जो वर्षा का जल होता है, वो क्या हो सके, उन प्लांट्स को, उन पौधों को मिल सके, ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सके, मतलब अच्छे से बढ़ सके. द कपल प्लांटेड मोर देन 300 ट्रीज इन टोटल एंड टुडे द एसेट वैल्यू ऑफ द ट्रीज स्टैंड्स एट मोर देन 1.5 मिलियन रुपीज़. और उन दोनों ने मिलकर, उन दंपत्ति ने एक साथ मिल करके 300 से भी ज़्यादा पेड़ उगाए, ठीक है, जिसका एसेट वैल्यू, जिस संपत्ति का मूल्य आज कितना है, 1.5 मिलियन रुपीस से भी ज़्यादा है. थिमक्का'स हस्बैंड पास्ड अवे इन 1991. अब 1991 में क्या होता है, जो थिमक्का का हस्बैंड रहता है, उनका डेथ हो जाता है, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है. बट सी कंटिन्यूड विथ हर मिशन अलोन एंड अनडॉन्टेड. लेकिन जो उनका मिशन रहता है, उसको वो थिमक्का अकेले, अलोन मतलब अकेले, और अनडॉन्टेड मतलब होता है निडर, मतलब अकेले और निडर हो करके वो जो थिमक्का है, अपने मिशन को क्या रखती है, कंटिन्यू, मतलब जारी रखती है. द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज़ टेकन ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रीज नाउ. उसके बाद क्या होता है, जो कर्नाटका की सरकार होती है, ठीक है, तो वो ट्री का मैनेजमेंट करना, मतलब ट्री को संरक्षण करना या फिर उसका प्रबंधन करना, ये सब क्या करती है, कर्नाटका की सरकार अपने हाथ में ले लेती है. थिमक्का वॉज रिफर्ड टू एज सालू माराधा थिमक्का आफ्टर हर वर्क गॉट पॉपुलर अमंग द पीपल. अब देखिए यहाँ पे हमको पता चलेगा,
जो सालू तिमक्का है वो किस में बदल जाती है, अब सालू मरादा तिमक्का में। ठीक है, क्यों बदलती है, क्योंकि जब उसका वर्क है, मतलब जो उसका कार्य है, जब वो लोगों में क्या हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है, लोगों में सब तरफ फैल जाता है उनके कार्यों का। ठीक है, कार्यों की बात जो होती है वो लोगों में जब फैलती है, पॉपुलर होती है, तो सालू मरादा तिमक्का के नाम से फिर उनको जाना जाता है। सालू मरादा मीन्स अ रो ऑफ ट्रीज इन कन्नड़ लैंग्वेज। कन्नड़ भाषा में सालू मरादा का मतलब क्या होता है, रो ऑफ ट्रीज, मतलब पेड़ की एक पंक्ति को ही सालू मरादा बोला जाता है। ठीक है, सी वॉज गिवन द नेम टू हॉनर हर डेडिकेशन टू वर्ड्स प्लांटिंग द सैपलिंग्स एंड प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट डिस्पाइट द न्यूमरस हार्डशिप दैट सी एंड हर हस्बैंड हैड टू फेस अलोंग द वे। अब देखिए यहाँ पे उसका नाम क्यों रखा गया सालू मरादा तिमक्का, हमको तो ये पता चल गया कि सालू मरादा का मतलब क्या होता है, एक पेड़ की पंक्ति को हम लोग सालू मरादा बोलते हैं। ठीक है, सी हैज़ गिवन द नेम, और ये नाम उनको क्यों दिया गया, ताकि उनको उन लोग क्या कर सके, सम्मान दे सकें। किस चीज़ के लेके सम्मान, तो जो भी वो पेड़ उगाया करती थी, जो भी पौधे उगाया करते थे उन लोग, तो उसका जो डेडिकेशन था पेड़ उगाने को लेकर के, ठीक है, पेड़ पौधे उगाने को लेकर उनका जो समर्पण था, ठीक है, और अपने इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण का संरक्षण करने में उनका और उनके हस्बैंड का जो क्या था आपका संरक्षण उन लोग देते थे ना इन्वायरमेंट को, मतलब पर्यावरण को संरक्षित रखने में उन लोगों ने जो योगदान दिया, बहुत सारे न्यूमरस हार्डशिप मतलब बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करते हुए सालू मरादा और उनके हस्बैंड ने जो अपना योगदान दिया, बस इसी को सम्मान देने के लिए उन्होंने क्या किया, तिमक्का के नाम के आगे सालू मरादा को भी ऐड कर दिया, ताकि उनको वो क्या दे सके, ऑनर दे सके, मतलब सम्मान दे सके। ओके, तो यहाँ तक हमारे ये कंप्लीट होता है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या दिया हमको, अदर सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ तिमक्का। और भी जो अदर मतलब सामाजिक जो उनकी गतिविधियाँ थी तिमक्का की, पेड़ लगाने के अलावा उन्होंने और सोशल एक्टिविटी में क्या किया था, सालू मरादा तिमक्का डिड नॉट स्टॉप एट ओनली प्लांटिंग ट्रीज। जो सालू मरादा तिमक्का थी, ठीक है, वो सिर्फ पेड़ लगाने तक नहीं रुकी, सी गॉट इन्वॉल्व्ड इन वेरियस सोशल एक्टिविटीज़। वो बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ मतलब बहुत सारे सामाजिक गतिविधियाँ में भी क्या करती थी, पार्टिसिपेट हिस्सा लेती थी, लाइक जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टैंक, एक टैंक के निर्माण के लिए, टू स्टोर रेन वाटर फॉर द एनुअल फेयर ऑफ हर विलेज। ठीक है, मतलब जो हर साल वार्षिक मेला जो उनके गांव में हुआ करता था, उसमें वर्षा जल को स्टोर करने में, संरक्षित करने में टैंक के निर्माण के लिए वो हिस्सा लिया करती थी। सी हैज़ प्लान्स ऑफ बिल्डिंग अ हॉस्पिटल इन हर विलेज एंड हैज़ सेट अप अ ट्रस्ट फॉर द पर्पस। और वो क्या सोची थी, क्या कि उन्होंने क्या प्लान किया, क्या योजना बनाया था, कि वो अपने विलेज में, अपने गांव में क्या करेगी, एक हॉस्पिटल भी बनवाएगी, जिसके लिए उन्होंने ट्रस्ट का चालू किया। सी इज़ एन एक्टिव कंसीडर फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ एफॉरेस्टेशन। वो एक सक्रिय योद्धा थी, ठीक है, कि सब तरफ मैसेज फैलाने में, एफॉरेस्टेशन मतलब वनीकरण, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ये मैसेज को सब तरफ फैलाने के लिए वो एक सक्रिय योद्धा भी थी। हर सिंपल फिलोसॉफी ऑफ लाइफ इज़ दैट एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ मस्ट लीव बिहाइंड सम एसेट फॉर ह्यूमैनिटी। उनका अपने लाइफ का ये प्लान क्या था, उनके लाइफ का योजना क्या था, कि जितने भी ह्यूमन होते हैं, जितने भी इंसान होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, जो बाकी ह्यूमैनिटी होती है, ठीक है, मानवता के लिए कुछ ना कुछ इस धरती में छोड़ करके जाना चाहिए। सी स्टिल लिव्स इन इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, वो मतलब आर्थिक संकट में अभी भी थी वो, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन जो उनकी आर्थिक व्यवस्था थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, एंड जस्ट मैनेजेस टू सम हाउ मेक अ लिविंग फ्रॉम द वेरियस अवार्ड्स एंड अ मंथली पेंशन। अब उनका फाइनेंशियल कंडीशन मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब उनका जो आर्थिक स्थिति था वो अभी भी ठीक नहीं था, लेकिन वो सबको मैनेज कैसे करती थी, जो भी उनको क्या मिलता था, बहुत सारे जो पुरस्कार मिला करते थे, जो उनको मासिक पेंशन मिला करता था, उसी से वो क्या करती थी, अपना लाइफ को सर्वाइव करती थी, मतलब वो जीवित रहती थी। बट दिस हैज़ नेवर मैनेज्ड टू किल हर स्पिरिट और हर पैशन फॉर डूइंग गुड वर्क फॉर ह्यूमन काइंड। लेकिन इतनी परेशानियों का सामना करने के बाद भी मानवता
को लेकर के जो अच्छे कार्य करना करने का उनके में जो जुनून था उसको वो क्या नहीं कर सका, किल नहीं कर सका, मतलब इतना सारे प्रॉब्लम्स उनके जुनून को मार नहीं सके। नेक्स्ट हमको दिया है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन फॉर तिमक्का, मतलब तिमक्का को जो भी पुरस्कार और मान्यता दी गई। तो देखते हैं ये टॉपिक भी हम, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सालू मरादा तिमक्का इज़ द आइडल ऑफ एवरी एनवायरमेंटलिस्ट टूडे। आज जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, मतलब जितना भी पर्यावरणविद हैं, उनके लिए सालू मरादा तिमक्का एक आइडल की तरह है। सी हैज़ शोन द वर्ल्ड हाउ वन इलिटरेट वूमेन कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू द सोसाइटी थ्रू हर हार्ड वर्क एंड पेशेंस। सी हैज़ शोन द वर्ल्ड, मतलब उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि एक इलिटरेट वूमेन, मतलब एक अशिक्षित महिला, एक कितना बड़ा चेंज ला सकती है। ठीक है, मतलब हमारे वर्ल्ड में कितना अंतर वो ला सकती है, किसकी वजह से, अपने हार्ड वर्क, मतलब अपनी कड़ी मेहनत और अपने धैर्य के वजह से वो हमारे सोसाइटी में कितने चेंजेस एक इलिटरेट लेडी भी क्या कर सकती है, ला सकती है। उन्होंने ये शो किया, इसका लाइव एग्जाम्पल है सालू मरादा तिमक्का। सी हैज़ बीन ऑनर्ड विथ टाइटल्स लाइक, उनको बहुत सारे सम्मान भी मिले, जैसे कि वन मित्र का सम्मान मिला उनको, ठीक है, निसारगा रत्न का भी उनको सम्मानित किया गया, वृक्ष प्रेमी से भी उनको सम्मानित किया, और वृक्षाश्री से भी उनको क्या मिला, ऑनर मिला, मतलब सम्मान मिला। फॉर हर अनकॉम्प्रोमाइजिंग एफर्ट्स टूवर्ड्स सेविंग द एनवायरनमेंट सी हैज़ बीन कन्फर्ड विथ सेवरल अवार्ड्स एंड सिटेशंस इंक्लूडिंग। अब आगे क्या बोल रहे हैं, उनकी कड़ी मेहनत के वजह से, ठीक है, उनके अनकॉम्प्रोमाइजिंग एफर्ट्स, मतलब उनकी कड़ी मेहनत के वजह से, ठीक है, वो क्या करती थी, जितने भी पर्यावरण में जो चीज़ हुआ करती, जैसे पेड़ हो गए, पौधे हो गए, उनको क्या करती थी, बचाव करती थी। तो उसकी वजह से भी उनको बहुत सारे पुरस्कार दिए गए उनको सम्मानित करने के लिए, जिसका कुछ का नेम हमको मेंशन है, जैसे कि नेशनल सिटीजन्स अवार्ड 1995, मतलब 1995 में उनको राष्ट्रीय नागरिक का अवार्ड भी दिया गया। ऑनर सर्टिफिकेट फ्रॉम द वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, मतलब महिला और बाल कल्याण विभाग की तरफ से भी उनको क्या किया गया, प्रशस्ति पत्र दे करके उनको सम्मानित किया गया। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के सरकार के द्वारा भी उनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। विशालक्षी अवार्ड बाय आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मतलब आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन की ओर से भी उनको विशालक्षी पुरस्कार देकर के उनको सम्मानित किया गया था। एंड द सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर, और बेंगलोर का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नेम यहाँ पे मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं, बेंगलोर का एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ से भी उनको सर्टिफिकेट दे करके क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया January 12, 2050 बाय माधुर के द्वारा 12 जनवरी 2015 को द टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू जरिए उनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो इसमें हमने पढ़ा कि उनको बहुत सारे अवार्ड्स नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, ठीक है, राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी क्या किया गया था, इस लेडी को सम्मानित किया गया था, उनको हॉनर मिला था। यहाँ पे आपको कुछ का नेम भी मेंशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ, इस पैराग्राफ के साथ हमारा ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।